नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर भी हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि भूखे को भोजन खिलाने पर कौन सा पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रिय दर्शकों, भूखे को भोजन खिलाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य हमारे जीवन में कितना लाभदायक होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दान पुण्य करना एक बहुत बड़ा कर्म होता है। और जो लोग दान पुण्य किया करते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों के जीवन में हाँ थोड़े बहुत संकट आ सकते हैं, लेकिन कभी भी भारी संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी एक प्यारी सी कहानी आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक गौ माता की कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाले बंदे पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती है, उसके परिवार पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक बूढ़ी गौ माता रहती थी। वो गौ माता बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, उस गौ माता की चलने फिरने की आर्थिक स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि गौ माता इधर उधर जाकर अपना पेट भर सके। प्रिय दर्शकों, अब वो गौ माता बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठी रहती और बहुत बुजुर्ग गौ माता थी। उस जंगल के आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहते थे जो कि गौ माता की सेवा कर सके। उस जंगल के दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता था। ऐसे सुनसान स्थान पर वो गौ माता रहती थी और वहीं पे रहते हुए गौ माता बहुत बुजुर्ग हो जाती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है। जब गौ माता बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो जाती है तो गौ माता की चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब गौ माता एक ही स्थान पे भूखी प्यासी बैठ जाती है और गौ माता अब ये इंतजार करने लगती है कि मेरी सहायता करने कौन आ सकता है, इस घनघोर जंगल में कौन मेरी सहायता करेगा। प्रिय दर्शकों, गौ माता दिन भर ऊपर वाले से यही दुआ करती कि हे ऊपर वाले, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाला कौन है, कौन बुढ़ापे का मेरा सहारा बन सकता है। प्रिय दर्शकों, ये उम्मीद हर कोई जीव जंतु लगाता है। हर कोई जीव जंतु ऐसी आशा भी करता है कि बुढ़ापे का उसका कोई सहारा बने। प्रिय दर्शकों, हर जीव जंतु जब बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उनको एक सहारे की जरूरत पड़ती है और ये सहारा बहुत सख्त होता है। यदि किसी भी जीव जंतु को बुढ़ापे में उनका सहारा मिल जाता है तो प्रिय दर्शकों, उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। यदि किसी भी जीव जंतु को बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता है तो प्रिय दर्शकों, उनका जीवन बड़ा दुखदायी हो जाता है। उनका जीवन उन लोगों को बोझ लगने लगता है जिन लोगों को बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु, इसी तरीके से वो गौ माता ऊपर वाले से दुआ करती है, ऊपर वाले से विनती करती है और कहती है, ए परवरदिकार, इस बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा बनेगा, इस जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, तभी उस जंगल में एक घूमता हुआ एक कुत्ता आता है। जब वो कुत्ता घूमता हुआ उस बुजुर्ग गौ माता के पास पहुंचता है तो कुत्ता गौ माता के हालात को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है। कुत्ता सोचने लगता है कि गौ माता बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि गौ माता बहुत दिनों से भूखी प्यासी है, क्योंकि गौ माता के हालात ही कुछ ऐसे हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब कुत्ता गौ माता के पास जाकर गौ माता से कहने लगता है कि मैया, अब तुम घबराओ मत,
मुझसे जितनी आपकी सेवा होगी वो सेवा मैं करूंगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर वो कुत्ता वहां से रवाना हो जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उस कुत्ते को एक नगर दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता उस नगर में जाता है। उस कुत्ते को उस नगर में दो चार रोटियां मिल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो कुत्ता दो तीन चार रोटी लेकर के गौ माता के पास आता है और गौ माता को लाकर वो रूखी सूखी दो चार रोटी खिलाता है। गौ माता कुत्ते की दी हुई रोटी को खाती है। प्रिय दर्शकों, और गौ माता कुत्ते को धन्यवाद कहती है। गौ माता कहती है कि पुत्र तुम जुग जुग जियो। प्रिय दर्शकों, अब कुत्ता इसी तरीके से रोज रोज गौ माता की सेवा करने लगा। रोज कहीं न कहीं नगर में जाता और जहां भी उसको कुछ खाने की चीजें मिलती उन चीजों को लेकर सीधा गौ माता के पास चला आता और गौ माता के पास बैठ करके सभी चीजों गौ माता को खिलाया करता। प्रिय दर्शकों, जब कुत्ते को खाने की चीजें नहीं मिलती, कोई प्यार से नहीं देता, तो कुत्ता चोरी करके भी लाता और गौ माता को खिलाता। कभी कभी तो कुत्ता चोरियां भी करता और चोरी करके भी गौ माता की सेवा किया करता। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से वो कुत्ता गौ माता की अंतिम सांस तक सेवा करता रहता है। जब गौ माता का अंतिम समय आता है तब गौ माता कुत्ते को वरदान देती है और कुत्ते से कहती है कि पुत्र मैं तुम्हें दो वरदान देती हूं। ये वरदान तुम्हें तुम्हारे जीवन में सदैव काम देंगे। प्रिय दर्शकों, पहला वरदान गौ माता देती है कि पुत्र आज से तुम भोलेनाथ के अवतार के सवारी के रूप में जाने जाओगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, उसी वक्त देवादिदेव महादेव के अवतार भैरवनाथ प्रकट होते हैं और भैरवनाथ कुत्ते को अपनी सवारी बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से कुत्ता भैरवनाथ का सवारी बन जाता है और भैरवनाथ के साथ कुत्ते की पूजा होने लगती है। कुत्ते को भैरवनाथ की सवारी मिलने के बाद कुत्ते को लांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा वरदान गौ माता कुत्ते को देती है कि पुत्र जो भी कोई मनुष्य तुम्हें प्यार से रखेगा तुम उसके अच्छे वफादार बन जाओगे। लोगों के माता पिता दगा कर सकते हैं, लोगों के भाई बहन दगा कर सकते हैं, लोगों के मित्र दगा कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य तुमको रखेगा तुम उसके सच्चे वफादार रहोगे। तुम कभी भी उसके साथ दगा नहीं करोगे, कोई धोखा नहीं करोगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद से कुत्ता इंसान का वफादार होता है। प्रिय दर्शकों, शहरों में कई लोग कुत्ता पालते हैं और जो लोग कुत्ता पालते हैं प्रिय दर्शकों वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुत्ता इंसान का बहुत बड़ा वफादार होता है। आपके मित्र दगा दे जाएंगे, आपके सगे संबंधी दगा दे जाएंगे, आपके भाई बहन दगा दे जाएंगे, लेकिन कुत्ता कभी दगा नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि भूखे को भोजन खिलाने का पुण्य बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि कुत्ते ने भी भूखे को भोजन खिलाया था, इसलिए कुत्ते को इतना बड़ा पुण्य मिला है कि आज कुत्ते की पूजा होती है। कुत्ते को श्री भैरवनाथ ने अपनाया है और भैरवनाथ ने अपने वाहन के रूप में कुत्ते को स्वीकार किया है और कुत्ता हर इंसान का एक वफादार कुत्ता होता है। प्रिय दर्शकों, भूखे को भोजन खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और जो लोग भूखे को भोजन खिलाते हैं प्रिय दर्शकों उनको वरदान स्वरूप कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चाहे आप अजमा के देख लीजिएगा, भूखे को भोजन खिलाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होता है। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है वो लोग यदि भूखे को भोजन कराते हैं प्रिय दर्शकों उन लोगों का धीरे धीरे नसीब साथ देने लगता है, कर्म साथ देने लगता है और धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय भी हो जाता है।
प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी गौ माता की कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।